इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हम तीन लॉ पढ़ेंगे। पहले दो लॉज को कहा जाता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उन्हें रेस्पेक्टिवली कहा जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ। और जो तीसरा लॉ होता है वो होता है लेंज रूल। हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तीसरा लॉ क्यों कह सकते हैं, इस पे हम लेंज रूल पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फैराडे का पहला लॉ, ये हमें यह बताता है कि अगर कहीं कोई सर्किट रहा और उस सर्किट के सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये चेंज होता है, ध्यान दे अगर ये चेंज होता है, तो उस सर्किट में क्रिएट होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। तो हम फर्स्ट लॉ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस नाम को कुछ इस तरह से जोड़ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो एक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिखाई देता है, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट ये इंड्यूस्ड नेचर का होता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए देखें एक सर्किट, ये क्लोज्ड सर्किट है, इस सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से पहले हमें यहां क्रिएट करना होगा एक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक सरफेस में होने के लिए उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं यहां, कैसे, इसके सामने एक मैग्नेट रखते हैं। तो इस मैग्नेट से निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करेगा और इस सरफेस में क्रिएट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या इस सर्किट के सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रेजेंस के कारण ही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा? नहीं। यहां पर देखें, हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ये जब चेंज करता है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। तो हम इस फ्लक्स को चेंज कैसे करें? यहां देखें, फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एक सरफेस को क्रॉस करेगा वही डिसाइड करेगा उसका फ्लक्स कितना है। तो हम अगर किसी तरह से वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बढ़ा सके इस सरफेस से क्रॉस होता हुआ, इस सरफेस से क्रॉस होता हुआ, तो हम इस सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अगर हम घटा दें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमें किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसे इस सरफेस के थ्रू या तो बढ़ाना है या फिर घटाना है। तो क्या करें, हम इस मैग्नेट को इस सरफेस के करीब ले जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस ये बढ़ जाएगा, और अगर हम इस मैग्नेट को इस सरफेस से दूर ले गए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये घट जाएगा। हम इस मैग्नेट को आगे पीछे ना करके अगर इस सर्किट को ही आगे पीछे करते हैं तो भी इसका फ्लक्स, इसका एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, देखते हैं। तो इस सरफेस को अगर हम करीब ले जाते हैं इस मैग्नेट के, तो देखें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गया। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, देखें इस सरफेस के हर एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा हम कहेंगे इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। उसी तरह से इस सरफेस को अगर हम दूर ले जाते हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस ये घटेगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहे कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा, तो इसके कारण इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट जाएगा। तो इस तरह से हम एक सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर हम इस सर्किट को
इस एक्सिस में कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर दे। तो अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो इस सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, और चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वो डॉट प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इस सर्किट में क्रिएट होगा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसके कारण इस सर्किट में फ्लो होगा करंट का। तो इस सर्किट में हो सकता है कुछ इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो, या फिर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो। ये जो डायरेक्शन है इसे हम समझ पाएंगे आगे के लॉज में। तो फिर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसे हम कैसे पता लगाएं? तो इसे समझने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड बताने के लिए है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ किस रेट से, किस दर से चेंज हो रहा है, उसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अर्थात अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को तेजी से चेंज करें एक सर्किट का, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा क्रिएट होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, चलिए इसे हम ई से डिनोट कर लेते हैं, यह प्रोपोर्शनल होगा टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसे हम डी फाई बी डी टी कहेंगे। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ये बराबर होगा, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे और इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है के। तो ये बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू के डी फाई डी टी। यहां मैं आपको बता दूं, ये ईएमएफ जो क्रिएट होता है वो अपोजिंग नेचर का होता है। इस अपोजिंग नेचर को हम आगे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल चूंकि ये अपोजिंग नेचर का होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम यहां पर एक नेगेटिव साइन अपेंड करते हैं। और जब हम सारे यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम में कंसीडर करते हैं तो इस के का वैल्यू हमें मिलता है 1। तो इन एसआई ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये बन जाएगा माइनस डी फाई बी डी टी। यह है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो था इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम कैसे पता लगाएंगे। और इससे आगे हम इस सर्किट के रेजिस्टेंस से यह पता लगा सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट कितना क्रिएट होगा। लेकिन उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का और उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? उसका तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। उसके डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास होता है लेंज रूल। लेंज रूल हमें यह बताता है कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसा होता है जो कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। यहां पर देखें, अगर हम इस मैग्नेट को इस सर्किट के करीब ले जाएं, या फिर इस सर्किट को मैग्नेट के करीब ले आए इस सिचुएशन में, तो देखें नॉर्थ पोल जो है ये इस सर्किट के करीब आ रहा है। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि ये
उस नॉर्थ पोल के करीब आने को, अर्थात उस कॉज को, जो कॉज उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्रिएट कर रहा है, उस कॉज को अपोज करेगा। तो उस कॉज को वो कैसे अपोज कर सकता है, इस मैग्नेट को करीब आने से कैसे रोक सकता है कि इसमें करंट कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए कि उसके इस फेस में बन जाए नॉर्थ पोल और इस फेस में बन जाए साउथ पोल। तो जैसे ही इस नॉर्थ पोल के सामने वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा और इसका करीब आना अपोज्ड होगा। सो इस सर्किट में करंट को कैसा फ्लो होना है, इस सर्किट में करंट को कुछ ऐसा फ्लो होना है कि इस मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो करंट इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को दूर ले जाएं इस सर्किट से, या फिर कहें इस सर्किट को हम दूर ले जाएं, तो देखें नॉर्थ पोल का दूर जाना इस सर्किट के ईएमएफ का कारण होगा। तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि वो इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा। अर्थात अब क्या होगा, अब इसके मैग्नेट के सामने वाले फेस में बनेगा साउथ पोल और उसके अपोजिट फेस में बनेगा नॉर्थ पोल। तो करंट को कैसा फ्लो होना है, इस केस में करंट मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये है लेंज रूल, जो कि हमें यह बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। एक बार तीनों लॉज को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला लॉ जो है यह हमें बताता है कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक सर्किट के साथ एसोसिएटेड, तो उसमें करंट क्रिएट होगा। अर्थात यह बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब दिखेगा। दूसरा रूल हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्रिएटेड हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और लेंज रूल, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड लॉ भी कह सकते हैं, यह हमें बताता है कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा।